सो वेलकम ऑल ऑफ यू एम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम का ये लेक्चर नंबर 3। पहले लेक्चर में हमने उसके बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, सेकंड लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी आपको मिडिल टर्म्स के बारे में बताया था, तो मैं इन सब की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरी थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम बायनोमियल थ्योरम जो हमारा है उसके मिडिल टर्म के क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर है, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, बट अभी उस पर थोड़ा और प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारे डाउट क्लियर नहीं होंगे, क्या क्या कन्फ्यूजन हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट हो रही है, उन सबको हमें समझना पड़ेगा, तभी हम जा करके कर पाएंगे आगे का वर्क। तो ये चीज़ आप हमेशा बेसिकली समझिएगा स्टूडेंट, कि जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हैं इनको हम कैसे हैंडल करने का एक प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं अंदर। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट रहेगी अगर आपको जो चीज़ें समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर दें और बताएं कि आपको क्या सॉल्यूशंस, और कोई अगर कोई क्वेश्चन के सॉल्यूशन के रिक्वायर्ड्स हो तो आप ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सॉल्यूशन दे सकूँ। तो आइए हम पहले सॉल्यूशन की बात कर लें थोड़ा। कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द फॉलोइंग मध्य पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुत सारी, और थोड़ा ये हो सकता है कि आपको आवाज़ आ रही होगी फ़ैन, चूँकि फ़ैन मेरा चल रहा है इसलिए हो सकता है उसकी आपको आवाज़ आ रही हो, बट उसको आप थोड़ा निगलेक्ट करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ पे अभी। तो आगे हम आते हैं, वर्क करते हैं थोड़ा, देखते हैं पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। दैट इज़ फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ वर्क करना है आपको। ए अपॉन एक्स रेस पावर टेन मिडिल टर्म्स है, हमें फाइंड आउट करना है n इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 10 है जो कि इवन नंबर है, ठीक है। बट x के इवन है तो इसके एक्सपेंशन में हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 10 हो जाएंगे, 10 + 1 11 हो जाएगा। जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो वी गेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 11। मतलब इस तरह से कह सकते हो आप कि इन द एक्सपेंशन ऑफ इन द एक्सपेंशन वी गेट टोटल नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो मतलब एक ऑड नंबर्स हमें मिलेगा, ये समथिंग आपको समझ में आ रही है। तो जब n इज इवन है सो एक मिडिल टर्म्स हमें फाइंड आउट होता है, मतलब मिडिल टर्म इज इक्वल टू n बाई 2 + 1, ठीक है, या n बाय 2 + 1 वहाँ पद। तो अब हम यहाँ से फाइंड कर लें 10 by 2 + 1, ठीक है, 6 वहाँ पद या 6 टर्म्स T6, टारगेट इज फाइंड आउट द T6, ठीक है। अब T6 को हमें फाइंड आउट करना है, बट व्हाट इज द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, जनरल टर्म, जनरल टर्म, ठीक। क्योंकि यहाँ पे a इंक्लूडेड है तो हम मान लेते हैं कैपिटल x प्लस a पावर n, ठीक है। जनरल टर्म क्या होगा द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो T r + 1 हो जाएगा ncr x के पावर n माइनस r और a के पावर r, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए a पावर r आ गया। ये हमारा एक फार्मूला फंडामेंटल हो गया, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी a और x इंक्लूडेड है इसलिए हम ए एक्स जो स्मॉल वाला है वो नहीं लेंगे, डिफरेंट लेंगे। तो ऑन द कंपेरिजन सो व्हाट वैल्यू ए एक्स इज x बाई a, कैपिटल a अपॉन एक्स n 10, ठीक है। ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो गई, ध्यान रखिएगा दैट यू कैन फाइंड आउट द T6। तो T6 मतलब क्या करना है हमें, इस तरह से बदल देना है, सो T5 + 1 10 C 5, ठीक, और 10 C 5 दैट इज़ योर x, x मतलब x बाई a पावर n माइनस r, सो नाउ 10 - 5, ठीक, 10 - 5 एंड a अपॉन x रेस पावर 5। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10 C 5 x रेस टू 5 अपॉन a रेस टू 5 इंटू a रेस टू 5 अपॉन x रेस टू 5, ठीक। तो ये वैल्यू कैंसिल, ओनली वी गेट द 10 C 5, और 10 C 5 की वैल्यू होती है 252, बट यू कैन फाइंड आउट दिस। तो फैक्टोरियल 10
divided by factorial 5, 10 minus 5 factorials. So we get 10, 9, 8, 6, 7 into factorial 5. 5, 4, 3, 2, 1 into फैक्टोरियल 5, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये 4 दुनिया 8, ये टोटल कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 टू ज़ा 6, ये कैंसिल हो गया, और ये 5 टू ज़ा 10, ठीक। तो यहाँ हो गया 2 9 18 इंटू इन दोनों का मल्टीपल, और यहाँ फिर आ गया इंटू 14, ठीक। तो 18 फोर जा 72, ठीक है, समझ में आ रही बात। और फिर 7, तो और फिर 18 7 50, तो 252, ठीक है। तो मतलब 10 सी 5 की वैल्यू हमेशा एक आप जनरली याद भी रख सकते हो कि 10 सी 5 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 252, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन हो गया। इसी तरह हम सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करेंगे। तो वन, दिस इज क्वेश्चन 1। अब इसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं कि इन सॉल्यूशन को हम कैसे एक बेसिकली वर्कआउट कर रहे हैं। बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है फॉर्मेट। इसको सिर्फ आपको फॉर्मेट को समझना है, कंपैरिजन को करना सीखना है कि हम कैसे वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं, कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट वैल्यू, दैट क्वेश्चन इज़ डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा क्वेश्चन नंबर 2, बट एक फंडामेंटल है, उससे आसान आपको कुछ मिलेगा नहीं। देन यू कैन सी दिस, सिंपल क्वेश्चन है, उसके सिर्फ फंडा को समझना है आपको, फंडामेंटल जो ट्रिक्स है ना उसको समझना है। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज पावर 2n, तो व्हाट वी गेट, 2n मतलब क्या, पावर ऑफ 2n है, इसका मतलब क्या कि यह हमेशा कैसा मिलेगा, दैट इज द इवन नंबर, 2n इज अ इवन नंबर, ठीक है ना, हमेशा एक नहीं इवन नंबर मिलेगा, सम संख्या मिलेगी, समझ में आ रही है आपको बात। दैट इज अ इवन नंबर मतलब सम संख्या, ठीक। तो अब जो हमारा इवन नंबर मिल गया, इट मीन्स हमारा जो मिडिल टर्म्स होगा क्या होगा, मिडिल टर्म, ठीक, जिस मध्य पद की हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है हमारा, n बाई 2 प्लस 1, इस तरह से लिखते हैं। मान लीजिए इस पावर को हम कैपिटल n कर ले रहे हैं, क्योंकि n के टर्म में दिया इसलिए डिफरेंटेस कर ले। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, 2n अपॉन 2 प्लस 1, दिस इज n प्लस 1th, n प्लस 1th टर्म्स मतलब टी एन प्लस 1, दिस इज टी एन प्लस 1, ये हमें वैल्यूज मिल गई कि n प्लस 1 टर्म्स जो होगा उसका मिडिल टर्म्स होगा। तो अब आगे की चीज़ों को हमें मॉडिफाई करना है, तो अब हम क्या करेंगे, जनरल टर्म की बात करेंगे, जनरल टर्म, ठीक। x माइनस a, क्या कैपिटल a कर लें, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, रेस पावर n, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट लिखने का प्रयास करेंगे, जो एक्चुअल फार्मूला है उससे थोड़ा हम डिफरेंट यहाँ पे राइटअप करें। माइनस है तो माइनस वाले कंसेप्ट में चले जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा हम फार्मूलों को हमें कैसे लिखना है, थोड़ा अलग लिखने का प्रयास करेंगे जो कुछ क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टी आर प्लस वन जो हो जाएगा, ये आपका क्या होता है, हो जाएगा एन सी आर, एक्स के पावर एन माइनस आर, ए के पावर आर, और यहाँ पे ऑलरेडी होता है माइनस वन के पावर आर, जब यहाँ पे निगेटिव हो। तो अब इससे हम कंपेयर करके वैल्यूज को फाइंड कर लें। तो x हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर, कैपिटल a क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और कैपिटल n की बात कर लेंगे, सो दैट वैल्यू इज 2n, ठीक है। ये वर्कआउट हमें मिल गया। तो आइए हम, अब हमें निकालना है टी एन प्लस 1, तो टी एन प्लस 1, ठीक, मतलब यहाँ पे हो गया 2n, ठीक है, 2n, या तो यहाँ पे कैपिटल n कर लें, एक्सपेंशन में लिख रहे हैं, तो 2n सी एन, ठीक, एन एक्स मतलब एक्स स्क्वायर रेस पावर 2n माइनस n, ठीक, और फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेस पावर n इंटू माइनस 1 के पावर n, ठीक है, ये वाला n इज r, तो r यहाँ पे n है हमारा, ये है r। अब ये क्या होगा, 2n फैक्टोरियल
एन फैक्टोरियल एंड टू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक। ये देखिए दिस इज एक्स के पावर टू एन, एन कैंसिल, इंटू वन अपॉन एक्स के पावर टू एन और माइनस वन के पावर एन, सो दैट डर्म कैंसिल, ठीक है। फैक्टोरियल टू एन यहाँ से एन, तो ये हो गया आपका माइनस वन के पावर एन टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, चाहे आप स्क्वायर भी लिख सकते हैं या समथिंग। तो हमारा ये मिडिल टर्म इसके एक्सपेंशन में ये फाइंड आउट हो जाएगा, दैट इज़ अ फंडामेंटल वर्क। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ये चीज़ समझनी थी, ये लाइन्स, अगर ये लाइन आप समझ पाते देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजिली, दैट इज़ अ फंडामेंटल कंसेप्ट, ठीक है। तो इसी तरह के आगे के क्वेश्चन को भी हम करने का एक प्रयास करेंगे। तो चलिए दो हो गए अभी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आइए थोड़े आगे हम ऑड वाले पे आ जाते हैं अभी क्वेश्चन पे। तो ऑड के जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हमें अभी यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा कि हम ऑड वाले क्वेश्चन को कैसे करना चाहते हैं जब एन इज़ द ऑड, ठीक है। तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाते हैं, थ्री, ठीक है। क्वेश्चन थ्री पर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स रेस पावर 11, ठीक। तो मिडिल टर्म की जैसे ही बात करनी है हमें, चूँकि n इज हमारा क्या है यहाँ पे इंटू 11 है और एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, सो वी गेट टू मिडिल टर्म्स, ठीक। टू मिडिल टर्म्स हमें प्राप्त होगा, दो मध्य पद हम फाइंड आउट करेंगे, टू मिडिल टर्म्स मतलब दो मध्य पद, ठीक है। सो अब कौन सा फर्स्ट मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या, एन प्लस वन बाई टू टर्म्स, तो एन मतलब हमारा 11 प्लस वन बाई टू कितना हो जाएगा आपका टोटल 6, 11 प्लस वन 6 हो गया, मतलब 12 एन वन 6, तो 6 टर्म मतलब t6, ठीक। दूसरा सेकेंड मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म n प्लस 3 बाई टू, एन प्लस 3 11 प्लस 3 बाई टू तो 14 मतलब 7 t7, सेवन टर्म्स ये फाइंड आउट, दो मिडिल टर्म्स मिल गए, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे t6 एंड t7, ठीक। तो t6 एंड t7 कैसे फाइंड आउट करना है, पहले तो हमें जनरल टर्म्स की बात करनी है कि जनरल टर्म हमारा क्या है, ठीक है। जनरल टर्म कोई डिफरेंट लिख लेंगे, क्योंकि x इंक्लूडेड है तो इसलिए हम लिख लेंगे x प्लस a के पावर n। तो इसके एक्सपेंशन में हमारा जो जनरल टर्म होगा टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स के पावर एन माइनस आर और ए के पावर आर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस वाला कंसेप्ट लेंगे। अब यहाँ पे तुलना कंपेयर कर दीजिए, तो दिस इज द कैपिटल एक्स हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए हो गया 1/x, ठीक, और एन इज इक्वल टू हो गया 11, ठीक। तो पहली बात दिस इज t6 की बात कर रहे हैं, तो t6 हमारा क्या होगा ये समझिए, तो t6 को हम लिख सकते हैं t5 प्लस 1, ठीक है। दिस इज t5 प्लस 1, सो दैट वैल्यू इज r, ये r, तो अब यहाँ पे होगा 11c5, ठीक, 11c5। नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट अगेन, अब x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर के पावर 11 माइनस 5 एंड 1/x के पावर 5, तो यू कैन सिंप्लीफाई 11c5, यहाँ पे 11 में से 5 चला गया 6, तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 12, ठीक है, 6 × 2 = 12 और यहाँ पे इंटू 1/x के पावर 5, ठीक है। तो सिंप्लीफाई 11c5 और यहाँ पे होगा दिस इज x के पावर 7, ठीक है। तो 11c5 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे भी आपको रिजल्ट को फाइंड आउट करना है कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली ये समझ लीजिएगा, a पावर m पावर n, दिस इज द a के पावर m इंटू n, ठीक है।
ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है पावर्स पावर्स के मल्टीप्लिकेशन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, दिस इज T7। तो T7 में हमारा क्या हो जाएगा, T6+1 इम्प्लाइज दैट 11C6 एक्स स्क्वायर रेस पावर 11-6 और 1/x^6। अब सिर्फ सिंप्लीफाई कर दें तो 11C6 एक्स स्क्वायर यहाँ पे 6, 5 हो जाएगा मतलब 10 और इंटू 1/x^6। ठीक है, वर्कआउट 11C6 और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका x^4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया T7 का। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करिए, आगे मल्टीप्लिकेशन वगैरह आप वर्कआउट कर सकते हो, 11C6 की वैल्यू को फाइंड आउट करके यहाँ पे हम सिंप्लीफाई पुटअप कर पाएंगे एंड यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। ठीक है, तो जिस तरह से वर्कआउट आपको करना पड़ेगा एग्जाम में, चूँकि अगर बड़े क्वेश्चन हैं, बड़े नंबर के हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो आप इनकी वैल्यूज को पुटअप करके 11C6 की वैल्यू को फाइंड पुटअप करिए और फिर जनरली सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, आइए आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये भी आपका हमारा वर्कआउट हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो वर्कआउट कैसे करेंगे ये समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम कर रहे हैं, दिस इज 4। सिंपल है, 4x/5a है प्लस 5a/4x है, अल्टरनेट है, ध्यान रखिएगा 10 है, दोनों एक जैसे हैं। अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो ऐसे टर्म्स में एक ट्रिक होती है कि कांस्टेंट टर्म ही आता है, दूसरा एक्स और ए जो भी होगा कुछ नहीं आएगा। जैसे इस वाले में देख लीजिए, इस वाले में सेम कंसेप्ट पे वर्कआउट है। ठीक है, तो ऐसा भी वर्कआउट एक डिफरेंट अलग अलग क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस है, ये भी वैसा ही है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस है, इनकी भी आंसर वो सेम कंसेप्ट में हमें मिलेगा आंसर। तो ये चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, इन सभी के आंसर कितने हैं, 10 है तो 252, इसका कितना होगा, ये भी 252 होगा। अब ये थोड़ा अलग होगा बट दिस इज 252। ठीक है, तो ये इन सब का पैटर्न देखिए, दैट इज़ हियर, बट चूंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस वाले हैं, अगर माइनस होता तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाता और कुछ भी डिफरेंट वर्कआउट नहीं होता। जैसे यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे एक इंक्लूडेड माइनस हो जाता। ठीक है, देखते हैं अभी कोशिश करके, एक अंदर हमने फाइंड आउट किया था तो इस वाले सेक्शन में वही वर्कआउट कर लेंगे। n इज इक्वल टू 10 है, जी इवन नंबर है, इवन है तो मिडिल टर्म एक होगा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू n/2+1। ठीक, तो 5 10 10/2+1 मतलब T6 छठा पद मिडिल टर्म्स होगा। तो अब देखिए T6 क्या होगा हमारा, अभी हम जनरल टर्म पहले लिख लें, जनरल टर्म्स, जनरल टर्म को हम क्या कहते हैं, व्यापक पद कहते हैं। दिस इज TR+1 NCR x^n-r और a^r कर दें इन द एक्सपेंशन ऑफ x+a^n। ठीक, क्योंकि यहाँ पे a इंक्लूडेड है इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं। सो ये हमारा x होगा, ये हमारा a होगा, ये n होगा। तो रिप्रेजेंटेशन T6 मतलब T5+1 तो 10C5। ठीक, x हमारा जो है अब क्या है, 4x/5a रेस पावर 10-5 एंड इंटू 5a/4x रेस पावर 5। ठीक, तो सिंप्लीफाई, दिस इज ओनली 10C5, यहाँ जाएगा 4x^5/5a^5 5a^5/4x^5। ठीक, ये कैंसल, ये कैंसल, वी गेट दिस इज 10C5 और इसकी वैल्यू है 252। तो 10C5 की वैल्यूज इज ऑलवेज 252। तो हमेशा एक चीज़ ये फंडामेंटल याद रखेंगे कि हमें इसकी वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वर्कआउट हो गया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो अब ये चीज़ समझिएगा, जैसा ऐसा मिलेगा तो दैट इज़ अ फ्री फ्रॉम एक्स मिलेगा, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स मिलेगा। ठीक है, आइए आगे आते हैं।
आगे वाले क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो जैसे ये ले लिया 8 और 12, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इवन है। अब मैं इन दोनों में से एक कोई कर लेता हूँ पहले, इस फंडामेंटल है तो ये भी तो आप कर सकते हैं। पांचवे नंबर्स जैसे हैं 5, 5 में क्या करेंगे, क्या रहेगा, जैसे एक्स माइनस 1/x रेस पावर 12 है, ठीक है। तो n फिर से वही वर्क, मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n/2+1 टर्म्स, देन यू कैन सॉल्व 12/2+1 टर्म्स, 6 मतलब 7 T7 हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका जो कंपेरिजन है आप इससे कर दीजिए, x माइनस a पावर ऑफ n से सिंपली, ठीक है। तो जनरल टर्म, ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस a पावर n इज TR+1 एन सी आर एक्स के पावर n माइनस आर ए के पावर r और माइनस 1 के पावर r, ये वैल्यूज होती है। तो जब माइनस है तो माइनस वाले चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे कि हमें माइनस वाला ही फार्मूला अप्लाई करना है आपको, यहाँ पे कोई अलग से दूसरा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए, तो वहाँ पे हमारा n जो है आपका 12 है c और सॉरी T7 है, इसको हम लिख सकते हैं T6+1, ठीक है, T6+1 लिख दिया जैसे ही, तो ये 12c 6 की बात हो गई यहाँ पे, x मतलब x के पावर 12 माइनस 6, 1/x के पावर 6 और फिर माइनस 1 के पावर 6, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, जैसे मैंने वैसे ही बोला ना, जो जस्ट अपोजिट होंगे वर्कआउट होगा, तो ये मिल जाएगा 12c 6, ठीक है। और ये x के पावर 6 1/x^6 -1 × 1 इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कैंसिल, 12c 6, तो ये वाला आंसर हो गया, दिस इज 12c 6। तो ये इंडिपेंडेंट टर्म्स था, तो इस तरह से हमने इसके सॉल्यूशन की हमने बात कर ली कि ऐसे वर्कआउट को कर पाएंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे हम। इस फंडामेंटल क्रिएट करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड थोड़ा डिफरेंट, -2/x³ 15। हमें इसका मिडिल टर्म्स फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, मिडिल टर्म के बारे में हम बात करते हैं। जैसे बहुत ही लॉजिकली हमें वर्कआउट करना रहता है, तो हम कैसे करें ये हमें सोचना रहता है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स समझने का प्रयास करें। n is what? n is odd number. तो जब जैसे हमें odd number की बात हम कर लें, तो जैसे odd number आ जाए तो हमारा middle term कितना होगा, 2 होगा। So we get 2 middle terms. ठीक है, 2 middle term का मतलब 2 मध्य पद, ठीक है, is important. तो first मिडिल टर्म इज इक्वल टू n+1/2 मीन्स 15+1/2 16, 8 या T8, ठीक है। सेकेंड की बात कर लें, n+3/2 दिस इज 15+1/2 18, तो 9 टर्म्स या T9, ठीक है, T9 मिल जाएगा, मतलब नौवा पद, आठवें और नौवें पद होंगे इसके मिडिल टर्म्स। तो आठवें नौवें पद जैसे मिडिल टर्म निकल जाएगा, आगे का हम वर्कआउट अपने आसानी से कर लेंगे। तो आइए हम T9 की बात कर लेते हैं थोड़ा। एक्सपेंशन पहले लिख लें जनरल टर्म्स, x माइनस a के पावर n के एक्सपेंशन में हम लिख लेते हैं जनरल टर्म्स, हमारा जनरल टर्म, ठीक। तो जनरल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, TR+1, ध्यान रखिएगा बहुत ही लॉजिकल वे, NCR x के पावर n माइनस आर ए के पावर आर माइनस 1 के पावर आर, ठीक, ये फार्मूला
फंडामेंटल जो भी लिखने का तरीका है। डिफरेंट क्यों लिखता हूँ, क्योंकि जो बायनोमियल थ्योरम है वो स्मॉल एक्स के थ्रू है, बट यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल एक्स दिया हुआ है, इसलिए हम थोड़ा अलग लिखने का एक प्रयास करेंगे। तो कैपिटल एक्स हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए हो जाएगा हमारा 2/x³, और एन ऑलरेडी आपको 15 पता है, ठीक है। तो आइए टी एट की बात करते हैं, टी सेवन प्लस वन डजेंट मैटर हाउ टू सिंप्लीफाई, दैट इज इन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ T7+1। तो T7+1 जैसे ही मिलेगा तो हम आगे कैसे कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। T7+1 तो यहाँ पे 15C7, ओके 15C7, समझ में आ रही बात, 15C7 एंड x मतलब एक्स स्क्वायर के पावर 15-7, ठीक, और फिर 1/ दिस इज 2/x³ के पावर 7 और फिर -1 के पावर 7, ठीक, ये वर्कआउट मिल जाएगा। तो -1 के पावर 7 मतलब माइनस, तो यहाँ पे क्या मिल -15C7, यहाँ पे 15-7 8 हो गया, तो 8 मतलब और 2 तो 16, एक्स के पावर 16 इंटू, देखिए यहाँ दिस इज 2 के पावर 7 अपॉन 2x² 21, 7×3=21, तो दैट इज़ अ 21। तो अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर देना है, तो ये मिल गया हमें -2 के पावर 7 इंटू 15C7 और इंटू 1/, या इसको ऊपर ले जाइए तो x² -5, ठीक। अब बाकी की चीज़ों आप ऑलरेडी हम एग्जिस्ट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो दैट इज़ अ मेथड, ये मेथड है हमें वर्कआउट करने के लिए। तो ये T8 निकल गया, इसी तरह आप T9 निकाल लीजिए, यू कैन फाइंड आउट दिस T9, ठीक है। तो ये लिए आपके लिए वर्कआउट है, आप कर सकते हैं, ठीक है, होमवर्क T9, जैसे हमने T6 8 निकाल लिया तो T9 निकाल लीजिए, ठीक है। चल आगे आ जाते हैं हम, थोड़े 6 हो गए, तो 6 क्वेश्चन के बाद हम आते हैं 7, 8, 9, 10 जो थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, तो अलग हम करने का प्रयास करते हैं। 8 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 2 मिडिल टर्म्स होंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, n+1 मतलब यहाँ पे हमारा मिल जाएगा 5 and T6, ठीक है। मिडिल टर्म की जो बात होगी यहाँ पे, दिस इज़ द मिडिल टर्म्स जो हमारा फाइंड आउट होगा T5 and T6, क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं। तो आप ट्राई करिए, देन यू कैन सिंप्लीफाई इजिली। यहाँ पे क्या हो जाएगा मिडिल टर्म जो हो जाएगा आपका n/2 मतलब 4/5, दिस इज T5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मिडिल टर्म्स 6/2+1 मतलब 3/4 T4 चौथा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं T4+1, इसको हम लिख सकते हैं T3+1, और फिर आप जनरल फार्मूले में पुट अप करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये रिजल्ट हमें फाइंड आउट हो जाएगा इस तरह से। तो ये वर्क रहेगा मिडिल टर्म के लिए कि हम कैसे कर पाते हैं। तो एक आप कोशिश करिए, बाकी के जो प्रॉब्लम्स रह गए हैं इनको कोशिश करने का, प्रयास करने का सॉल्व करने के लिए, तो एक फंडामेंटल होगा। अब हम आगे आएंगे, जो बायनोमियल से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स से स्वतंत्र फ्री टर्म्स को हम कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट वर्कआउट का आंसर। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।